Good afternoon, my dear lovely students. How are you all? I hope you all are doing well. In today's class, we'll discuss the new chapter, Our Earth, Hamari Prithvi. The Earth is our home. Jo Prithvi hai, wo hamara ghar hai. It is round in shape. Jo Prithvi hai, wo gol hai. Land and water are its two parts. ज़मीन और पानी इसके दो पार्ट्स हैं, मतलब पृथ्वी पर या तो ज़मीन है या फिर पानी ही पानी है. वी कैन सी ऑल द कंट्रीज एंड सीज ऑन द मॉडल एंड सीज ऑन द मॉडल ऑफ द अर्थ. अब हम क्या होता है, अब डायरेक्ट हम अर्थ के ऊपर जाके तो देख नहीं सकते अंतरिक्ष में जाके कि अर्थ में कौन सी जगह कहाँ है. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे जंगली जानवर जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को वैसे तो जाके देख नहीं सकते वरना हम हर्ट हो सकते हैं, हमें हार्म हो सकता है. तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह देख लेते हैं या फिर उनके जो छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं उसको देख लेते हैं और हम इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा लायन पास से देखने में ऐसा लगता है. उसी तरह से जो अर्थ है उसके मॉडल को कहते हैं ग्लोब, जिसके ऊपर सारी कंट्रीज़ की कौन सी कंट्री किसके पास है, कौन सा महासागर सी किसके पास है, ठीक है, तो ओशन वगैरह वो सारा उसमें दिखाया जाता है. आप उसकी हेल्प से जान सकते हो कि अर्थ पे कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सी कंट्री किस दूसरी कंट्री के पास है, कौन सा ओशन कंट्री हमारी कंट्री के पास है, वो सब आपको पता चल जाएगा. तो अर्थ के मॉडल को कहते हैं ग्लोब. वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ, इट कैन बी सीन इन लेक्स पॉन्ड्स सीज एंड रिवर्स. पानी पृथ्वी ज़्यादातर अर्थ का जो पार्ट है वो पानी से कवर है. और पानी हमें कहाँ कहाँ मिलता है, लेक्स में, झील में, पॉन्ड्स तालाब में, सी समुद्र में और रिवर्स नदियों में, ठीक है. आपने देखा ही होगा यहाँ पे ज़्यादातर पानी होता है. यूजेस ऑफ लैंड, अब लैंड का यूज़ क्या है कि हमारे किस काम आती है. फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन ऑन लैंड. जो सब्ज़ी वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है या अनाज वगैरह है, हमारे खाने की जो भी चीज़ें हैं वो ज़मीन पर ही उगाई जाती हैं. वी मेक हाउसेज ऑन लैंड्स, हम अपना घर भी ज़मीन पर ही बनाते हैं. वी ड्राइव कार्स बसेस बाइसिकल ऑन लैंड, अब का जो रोड है उसी पर हम लोग साइकिल बस रिक्शा कार वगैरह चलाते हैं. केयर ऑफ द अर्थ, अब किसी भी चीज़ की केयर करनी ज़रूरी है वरना वो ज़्यादा देर तक अच्छी नहीं रहती. उसी तरह से अर्थ की भी केयर करनी ज़रूरी है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़. हमें ज़्यादा ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स लगाने चाहिए. क्यों? क्योंकि उससे जो है हमारी पृथ्वी हरी भरी रहेगी और पानी ज़्यादा ज़्यादा होगा, उससे हमें पानी की कमी नहीं होगी, एयर साफ होगी, हम ज़्यादा लंबा जी पाएंगे और ज़्यादा अच्छा जी पाएंगे. डू नॉट थ्रो वेस्ट इन रिवर्स, नदियों में कभी भी कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए. अगर आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग उसमें नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जैसे कि मुंगेर की गंगा में होता है, तो अगर आप उन्हें रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट आप वहाँ कूड़ा मत फैलाइए. वहाँ पर डस्टबिन्स वगैरह होते हैं, आप डस्टबिन में डालिए, रैपर्स वगैरह या बर्तन वगैरह उसमें ना धोइए या ना फेंकिए. वी मस्ट गेट पॉल्यूशन चेक्स ऑफ आर कार्स स्कूटर्स एक्सेट्रा. अब आपने देखा होगा कि जब आप रोड पे घूमते हो तो कई बसेस ट्रक वगैरह से काला काला धुआं निकल रहा होता है ना, और उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है एंड वो देखने में भी उसकी वो पूरा ऐसा लगता है कि हर चीज़ को काला कर देगा. तो उस सिचुएशन में वो होता है, वो एयर को पॉल्यूट करता है. तो इसीलिए गाड़ियों को चेक कराते रहना चाहिए कि आपकी गाड़ी पॉल्यूशन फ्री है या नहीं है. और अगर माँ कहते हैं अगर किसी भी गाड़ी से पॉल्यूशन हो रहा है तो फिर उसके ऊपर फाइन भी लगता है, उसको फिर पनिशमेंट दी जाती है, उसको पैसे भरने पड़ते हैं. लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड अ वैली, दो पहाड़ों के बीच की जो ज़मीन होती है उसे कहते हैं वैली. वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वी शेप बनाता है. दो पहाड़ों के बीच जो होगा वो वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वी शेप बनाता है. और यहाँ पर जो होता है ज़मीन होती है जहाँ पर लोग रहते भी हैं. Now we'll come to assessment part. Who am I? I am found in lakes, rivers and seas. Who am I? मैं सब इन सब जगह पाया जाता हूँ, lakes में, rivers में and seas में. तो वो है water. पानी हर जगह पाया जाता है.
सेकेंड, आई एम ड्राई लैंड कवर्ड विथ सैंड, वी फाइंड कैमल्स देयर. मैं सैंड से घिरा हुआ होता हूँ, कवर होता हूँ, और यहाँ पर कैमल पाए जाते हैं, तो उस जगह को कहते हैं डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान, जहाँ पे रेत ही रेत होती है, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं या ऑलमोस्ट कम होते हैं, और वहाँ पर जो होते हैं कैमल्स ज़्यादा दिखते हैं. आई एम लार्ज फ्लैट लैंड ऑन विच पीपल ग्रो क्रॉप्स. लार्ज, बड़ा सा फ्लैट लैंड जिसके ऊपर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, उसे कहते हैं प्लेन्स. फोर्थ, आई हैव हाई पीक्स विद विच आर मोस्टली कवर्ड विद स्नो. ऊँचा मतलब मैं बहुत ऊँचा हूँ और मेरी जो पीक है, जो मेरी चोटी है, बहुत ऊँची ऊँची है और मैं ज़्यादातर कवर रहता हूँ बर्फ से, तो उसे कहते हैं माउंटेन. नेक्स्ट, आई एम अ लैंड दैट इज थिकली कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स. ट्रीज और प्लांट्स सबसे ज़्यादा जो जगह कवर रहती है उसे कहते हैं फॉरेस्ट. तो आप इनको फिल इन द ब्लैंक्स में कर लेंगे, ये बुक में ही करना है. नेक्स्ट, मैच देम विद देयर डिस्क्रिप्शन. आपको डिस्क्रिप्शन के साथ पिक्चर्स को मैच करना है. पहला है वेरी ड्राई लैंड कवर्ड विद सैंड, तुमने पढ़ा था, उसे कहते हैं डेजर्ट, जो सैंड से कवर रहता है. लार्ज फ्लैट लैंड ऑन विच पीपल ग्रो क्रॉप्स. लार्ज फ्लैट लैंड जो है जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसे कहते हैं प्लेन्स. नेक्स्ट, लैंड दैट इज थिकली कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स, उसे कहते हैं फॉरेस्ट. वेरी हाई लैंड विथ पीक्स दैट आर कवर्ड विथ स्नो, उसे कहते हैं माउंटेन्स. तो ये भी आपको बुक में ही करना है. नेक्स्ट, ट्रेस द शेप्स एंड देन कलर. आपको जो शेप्स दी गई हैं उसको कलर करना है और ट्रेस करना है. पहले ट्रेस, दिस इज सर्कल, दिस इज स्टार, दिस इज ओवल. आपने देखा होगा अंडे का जो शेप होता है ओवल होता है. हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स होती हैं. ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड्स होती हैं. स्क्वायर, जिसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो आपको इन्हें ट्रेस करना है और इन्हें किसी भी क्रेयॉन या पेंसिल कलर से कलर करना है. तो ये भी आप बुक में ही करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.